इसलिए सब कुछ चल रहा है। नहीं तो यहाँ एक डिबेट छिड़ गई है, मोदी जी वर्सेस पप्पू। तो डिबेट नहीं है, ये वन साइडेड कंक्लूजन है। मोदी इज मोदी और पप्पू है, इसलिए हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। और देखो मैं मोदी इज द बेस्ट मोदी। मैं पप्पू को इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो अगर पॉलिटिक्स में नहीं होता तो वो बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता है। तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, उसके जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और पप्पू कहता है झुग्गियों में जाता है 80,000 के जूते पहनकर, कहते मैं गरीब आदमी हूँ। और दूसरी अभी जो रिसेंटली बात हुई थी उसने तो है, वो दिमाग से गरीब है। राहुल गांधी नहीं होता ना तो जो न्यूज है बहुत बोरिंग हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है, बिल्कुल मसाला ही नहीं मिलता। और रिसेंटली अभी जो हुआ था, पप्पू ने 5000 किलोमीटर चलने के बाद भी 3 स्टेट्स गला दिए और मोदी ने सिर्फ 100 कदम चलने के बाद एक कंट्री की अर्थव्यवस्था गला दी। तो ये बड़ी बात थी। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर 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 घर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी। आपको झूठ लगेगा, मेरे घर में मेरी मेरे जीजा है ना, वो मेरे से 2 सालों के बाद नहीं कर रहे। अच्छा, खाना खा रहे थे, कुछ सी बात छिड़ दी तो उन्होंने मोदी के ऊपर मुझे एक ताना मार दिया। मैंने सोनिया गांधी पे ताना मार दिया इतना जोर से, उन्होंने खाना खाते प्लेट ढकल दी, उड़ गए। मेरी बहन को गाली दे रही तो समझता नहीं क्या, अरे इनको समझना चाहिए, बात क्यों छोड़ते। फिर मैंने रोज क्या करना शुरू किया, वो मेरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते, मोदी को से मैसेज उनको भेज देता। मेरी बहन रोज बोलते काई को छेड़ता, वो दिन भर मेरे को गाली देते बैठे, तेरा भाई था कैसा वैसा, गुड मॉर्निंग खराब कर दी। नहीं मैं भी नहीं सुन पाती हूँ मोदी के बारे में, नहीं सुन सकती हूँ मैं। कोई कुछ बोलता है ना, मैं मोदी की सारी फैसिलिटी सबको चाहिए, नहीं सुनना भी नहीं चाहिए। एक सच्चा देशभक्त वही है जो मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता है ना। मेरे लास्ट कंपनी के जो जीएम थे ना, बिल्कुल मेरे लास्ट कंपनी जीएम था, मैं होंडा में था, तो जीएम क्या करने के उनको मालूम था मैं मोदी का फैन फॉलोअर हूँ, मतलब उसके नाम से नहीं उसके काम से, और वो उसके अगेंस्ट था। तो रोज मीटिंग होने के बाद मेरे को कुछ ना वीडियो भेजने का, तो एक दिन मीटिंग में छिड़ गई अच्छे से, तो मैंने मीटिंग उनकी ऐसी वैसे ले ली। तब से उनकी मेरी इतनी खराब हो गई, उन्होंने मेरे से बदला लेने के लिए मुझे वो ब्रांच से निकल के जो हमारी एकदम बकवास ब्रांच थी, जो वहाँ फेंक दिया, उल्टा कर दिया मैंने। उधर 4 लोग थे काम के लिए, एएसएम था, मैं सेल्स में था, उसने एएसएम को निकाल दिया और एक ही सेल्स वाले रख दिया। और जीएम ने क्या किया, वो मेहमान नगर ब्रांच संभालना शुरू की, मैंने उल्टा किया, मेरी ब्रांच का 130% बिजनेस दिया, उसका 30% हो गया, उधर भी मुंह पे गिर गया। देख रहे हो मोदी जी आपके फॉलोअर्स को क्या कुछ सहन करना पड़ता है, लेके ऑफिस से लेके घर तक, फिर भी हम आपको सपोर्ट करते हैं हर हाल में। मोदी ये जो छोटे मोटे नेता जो छोटे छोटे काम करते हैं ना, उनसे पब्लिक खुश होती है। मोदी जो अंदर ही अंदर बड़े बड़े काम करता है ना, उसको कोई नहीं देखता, वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी ने, वो पता ही नहीं चलता। अभी आर्मी के जो लोग हुए थे, जो उरी लेकिन जो अभी देखो कैसा रात ही रात में कैसे ऑपरेशन कर,